दोस्तों, क्रैक फिल्म से धमाका मचाने के बाद रवि तेजा फिर तैयार है अपनी आने वाली फिल्म खिलाड़ी के लिए। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ी स्मार्ट प्ले, इस तरह से इस फिल्म का नाम डिसाइड किया गया है। इस फिल्म में रवि तेजा का जो करेक्टर वो बहुत ही शेडी, ग्रे शेडी कलर का लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज किया है। आज रवि तेजा का बर्थडे भी है, तो इस ओकेजन पे एक 38 सेकेंड का फर्स्ट ग्लिम्स टीजर रिलीज किया गया है खिलाड़ी फिल्म का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर्स है आसपास, और उस कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स के बीच में रवि तेजा एक हथौड़ा लिए खड़े हैं, और ब्लैक कलर्स की गाड़ियां जो आ रही है उसके सामने एकदम खड़े, ऐसा लग रहा है कि इन गाड़ियों को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मुझे आपको बतानी है। सबसे पहले वापस से कहना चाहूंगा रवि तेजा सर को ये वेरी हैप्पी बर्थडे सर आपको हमारी तरफ से। इसके अलावा बता दो इसके डायरेक्टर है जो इस फिल्म के रमेश वर्मा। इसके अलावा बता दो म्यूजिक है इस टीजर में जो मुझे नजर आया देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक भी, और बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। इसके अलावा इसकी हीरोइन जो है इस फिल्म में मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती नाम की हीरोइंस है। कब रिलीज होगी ये तय नहीं किया गया, कब आएगी ये कुछ बताया नहीं गया, बट हाँ ये जरूर बताया गया है कि ये फिल्म धमाकेदार होगी, क्योंकि रवि तेजा का नाम है तो एक मास फिल्म बनाते हैं, बहुत धमाकेदार फिल्म बनाते हैं, मसाला एंटरटेनमेंट बनाते हैं। तो लेट्स होप एंड विश कि क्रैक के धमाकेदार सक्सेस के बाद फिर से जो उनकी फिल्म हो वो भी धमाकेदार सक्सेस साबित हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।